खट्टा फल बहुत अच्छा लगता है। इसको हमारे यहाँ खट्टा फल कहा जाता है। मतलब करेला भी, करेला नीम से भी ज्यादा कड़वा लगा ये, कि अच्छा है ना? तो हाँ हाँ अच्छा है, खट्टा मीठा है। वैसे बोलते क्या चीज में बैठाई है? नीचे कटोरी रखी हूँ, फिर ऊपर ही वाला रखी हूँ। इतना पतला में बैठाई है भगवान को, तो वो सब चीनी में डाल देती हूँ कि चाय बन जाए। सपना अब जाके पूरा हुआ मेरी बेटी ने। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये मैं खट्टा फल लाई थी बाजार से और उसको छील रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है तो उसको छील रही हूँ। हम खट्टे फल को बनाते हैं लहसुन मिर्चा अदरक और धनिया पत्ता और नमक और चीनी डालकर कूट देते हैं और फिर इसको छोटे छोटे पीस में काटते हैं और फिर उसको देखिए कूट रही हूँ। धनिया पत्ता तो सब मिक्स कर देंगे, चीनी नमक डाल करके कूट देंगे और इसमें मिक्स करके और इसको खाने से ना ये खट्टा फल बहुत अच्छा लगता है। इसको हमारे यहाँ खट्टा फल कहा जाता है। और मैंने ये बहुत जगह देखा है नींबू इस टाइप का, बड़ा नींबू, बड़ा नींबू नहीं है, इस खट्टा फल ही हमारे यहाँ उड़ीसा तरफ कहा जाता है। तो ये देखिए मैंने बना लिया, देखने में तो इतना स्वादिष्ट लग रहा है और खाने का बाद आप सब देखिएगा रिएक्शन हमारा। तो उधर मेरी बेटी का गाल में देखिए, उसका थोड़ा बर्फ वर्फ खा ली थी तो उसका सजा उसको मिला है, तो वही दिखा रही हूँ। अब देखिए खा रहे हैं, फिर रिएक्शन देखिएगा। OMG, मतलब मैं क्या बोलूं, जहर खाने जैसा लगा पूरा, इतना कड़वा कि बता नहीं सकती मैं उसका टेस्ट। मतलब मैं पूछ के ही लाई थी, मैं आज तक खट्टा फल कितना बार लाई हूँ लेकिन ऐसा कभी नहीं निकला है। कभी ज्यादा खट्टा, कभी कोई सा खट्टा फल खट्टा मीठा लगता था, लेकिन इतना कड़वा, मतलब करेला भी, करेला नीम से भी ज्यादा कड़वा लगा ये। मतलब सारा मेहनत चला गया पानी में। उधर हम लोग कितना अच्छा ये शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, इधर हमारा पूरा मुंह खराब हो गया, पूरा जवान का तो कबाड़ा हो गया। तो यही हुआ, यही घटना हो गया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। वो जिसने खट्टा फल बेचा था वो ठग दिए। मैं पूछ के भी लाई थी कि अच्छा है ना, तो हाँ हाँ अच्छा है, खट्टा मीठा है, वैसा बोला। फिर जवान इतना कड़वा हो गया था कि नहीं, कि उसको सही करने के लिए फिर सेब काट करके लाई मैं तुरंत और तुरंत खाई। उधर मेरी बेटी उधर फेंक करके भी आ गई और इतना मेरी बेटी का हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। मतलब क्या बोले, ऐसा ऐसा धोखा हुआ हमारे साथ कि क्या बोलेंगे। ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे और हंस रहे थे। क्या देखिए तो कैसा, क्या चीज में बताइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये केक बना रही है पहली बार। देखती हूँ इसका केक जल नहीं रहा। अरे ताव एकदम कम कर दे। कर दी। क्या चीज में बैठाई है? नीचे कटोरी रखी हूँ, फिर ऊपर ही वाला रखी हूँ। इतना पतला में बैठाएगी तो तसली जल जाएगा। जो नहीं जलेगा, देखी तो थी, जैसा देखी वैसा बैठा दी। उसमें नमक डाल। तो फ्रेंड्स ये देखिए केक बना रही है। अब देखिए भगवान ही मालिक है कि केक कैसा होगा। इसका मुंह देखिए पसीना से। वाह, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। अब मेरा भी टीच की थी ना, तो उसके वजह से पूरा हालत खराब है। तो शकल कैसा हुआ है, शकल पर मत जाइएगा। तो शाम से ही लगी हुई है, तो तीन चार बजे से ही लगी हुई है। 5 बजे से लगी हूँ, दुकान ही नहीं खुला था। हाँ, तो उतनी वजह से लगी है उसका केक बनाने में। देखते हैं कैसा केक बनाती है। बड़ा छोटा चीनी आप सबको दिखाऊं। मिश्री डाल दीजिए प्रसाद में। तुझे इतना इतना प्रसाद चढ़ाती है ना, इतना इतना मिश्री चढ़ा देती है भगवान को, तो वो सब चीनी में डाल देती हूँ कि चाय बन जाएगा। तो मेरे लिए वो चाय भी बना रही है, उसको ऑर्डर दी हूँ। आँख का देखिए नीचे पूरा काला काला हो गया है। ये काला एक्चुअली मैं काजल लगाई थी, आप सो गई थी ना, तो इसलिए इधर ये आ गया है घूम फिर के, दरवाजा पीट रहा है। क्या हुआ, हंस रहा है? मत दिखाइएगा, इतना लजाता काहे है, इतना लजाता काहे है ये। ये पूरा शाम हो गया है और आज हमारा उड़ीसा का फेस्टिवल है नुआखाई। तो सब जगह सन्नाटा है सब कोई, क्योंकि अपने अपने घरों में पूरा अच्छा से उनका बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं वो सब, मतलब अपने उड़िया भाई बहन, तो वही सब है। तो लेकिन ये ब्लॉग तो मेरा लग रहा है अभी तक तो मैं तीज का ब्लॉग नहीं छोड़ी हूँ, कल छोड़ूंगी। मतलब जिस दिन ये शूटिंग कर रही हूँ, गणेश पूजा का एक दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं, क्योंकि तबीयत इतना खराब हो गया था कि एडिटिंग करना, अभी उसको वो सब ब्लॉग को एडिटिंग करना है।
तो एडिटिंग करके ये करूँगी। और आप सबने तो देखा मैंने खट्टा फल जो हमारा बना कितना अच्छा बना। चलिए बने रहिए, मेरी बेटी का केक बना देगी, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा उसका केक तो दिखाऊंगी, खराब भी हो जाएगा खराब भी हो जाएगा तब भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वैसी ब्लॉगर नहीं हूँ कि सिर्फ अच्छा चीज़ दिखाए, खराब चीज़ भी दिखाती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में गाइस। आज सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, देखिए ये बिचारी का केक भी जल गया, चॉकलेट केक बन गया, इसका शक्ल देखिए। चलो पहला बार होता है, दोबारा ट्राई करना, फिर से कल बनाऊंगी। तू तो ऐसा गला तो इसमें नमक वमक रख के किया जाता है, फिर कल बनाऊंगी। हाँ। कल अच्छा से बनाऊंगी। देख रे बाबू खा के देख उसको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा नोच कैसे खा के देख, मैं देखती हूँ। चल तेरा पहला बनाया हुआ केक खा लू तेरा, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक। ये तो वो नींबू से खट्टा फल से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये लोग का शक्ल देखिए। पूरा जला दी, क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है, इसको डाल दी। क्यों बर्बाद कर रही है, उसको पी जाओ, क्रीम है ना उसको पी जाए। अरे क्यों ना डाल के देख लिया, तू छोड़ तो। और तो फ्रेंड्स यही हो रहा है, आज सब चीज गड़बड़ हो रहा है, इधर बारिश है हमारे यहाँ, नहीं होगा अभी। ये देखिए हवा पानी चल रहा है पूरा, भगवान देखिए बादल कैसे गरज रहा है, भगवान धोखा करते हैं। जब तीस था तो पूरा धूप किए थे, मुझे कितना 3 बजे से ही प्यास लगी, माँ कितना खतरनाक ही हो रहा है मेरा मोबाइल, एक बार का मेरा मोबाइल इसी के चलते खराब हो गया है, तब फिर खराब ना हो जाए। देखे तो चलिए फिर मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमारे छत पर बंदर आए थे, उधर कहीं चले गए, देखिए बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए कहाँ है, ये देखिए दो बंदर है ना, उधर एक तो बैठे इधर एक तो बैठा है, और जूम नहीं हो रहा, इतना ही होगा। तो हम लोग का उसका ऊपर चमड़ा था। हाँ। और इधर के बादल कैसा अच्छा आया, दोनों चले गए, नहीं एक तो बैठा ही हुआ है, कहाँ से इतना दिन के बाद से, हमार छत उपरे आओ थीबे के जाने, यही धब धब हो रहा था क्या। हाँ आवाज आई, बहुत देर से आवाज आ रहा था, पूरा धब 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 आवाज आ रहा था। हाँ? देखा मेरी बेटी ब्रेड चॉप बना, तो बेटी सब कुछ बना लेती है लेकिन बनता खराब है, तो सीखेगी तब तो, खराब करेगी तब तो अच्छा होगा। तो खा के देख लू, ये स्टफिंग है, अब ठीक हुआ, नमक नहीं पड़ रहा था तो, लेकिन फिर से बनाना। तो वो अब घर में रह रही है तो कुछ ना कुछ ट्राई कर रही है, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। क्या सोच रही है, डिजाइन देख रही हूँ। किसका किसका डिजाइन देख रही है, अरे गेट का ऊपर, नहीं देखी थी इतना दिन तक, ध्यान नहीं दी थी। अच्छा तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फैंस फाइनली वर्षों का सपना अब जाके पूरा हुआ, मेरी बेटी ने फाइनली कुछ बनाया, मतलब अच्छा से बनाया। उस टाइम तो आपने देखा सुबह के टाइम में केक को जला दिया था, और लेकिन ब्रेड चॉप उसने अच्छा बनाया था, शक्ल से भी आप सब देख सकेंगे। थोड़ा बहुत मेरे बेटे ने मदद कर दिया था, छान दिया था, लेकिन जो भी है ये सपना था कि हाँ बच्चे भी कुछ कुछ जान जाए, जो मैं कभी बीमार बार पड़ूं तो थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाए, काम हो जाए। तो ये मेरा वर्षों का सपना ही कहिए, हर माँ को इंतजार रहता है बेटी जब कुछ बनाने लगे करने लगे, तो अच्छा लगा। उसके पापा को भी बहुत पसंद आया, तो वही उसका तारीफ कर रहे हैं। तो मैं भी टेस्ट की,
ये देखिए टेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना था। स्टेपिंग स्टिंग सब चीज बहुत, नमक वमक बहुत अच्छे हिसाब से डाला था उसने, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग वही खाए और इंजॉय किए, और उसके बाद से अच्छा लगता है जब बच्चे अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ करने लगते हैं, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलता है। तो वही खुशी आज हमें भी मिल गई। तो ये देखिए सब मिल करके इंजॉय कर रहे हैं हम सब, ये भी खा रही है, तो वही है। ये देखिए उसके पापा भी बहुत, उनको भी बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सब भी कभी आएंगे तो जरूर खिलाऊंगी अब मेरी बेटी का हाथों का। तो ये देखिए मैं आप सबको बाय कह रही हूँ। अब प्यारे प्यारे मेरी बेटी ने ब्रेड चॉप कैसा बनाया है उसको प्यारे प्यारे कमेंट में लिखिएगा, वही मैं बोल रही हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट और बाय कह रही हूँ वही सब, बाय।